तो आपकी स्क्रीन पर जो स्क्वायर लिखे हुए हैं ये देखने में आपको कठिन लग सकते हैं, लेकिन इसका आंसर आप सिर्फ देखकर ही बता सकते हैं, और उसे सीखने के लिए आपको इस वीडियो को सिर्फ ध्यान से एक मिनट देखना पड़ेगा बस। आप देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर करना हो तो सबसे पहले देखिए कि उस नंबर के लास्ट में अगर 5 लिखा है, 5 लिखा है, तब आप अपने आंसर में तुरंत 25 लिख दीजिए। सबसे पहले 25 आपको लिख देना है सभी के आंसर में। अगर लास्ट में 5 है तो लास्ट में 25 लिख दीजिए, लेकिन इससे शुरू में कौन सा नंबर आएगा वो कैसे डिसाइड करें, उसके लिए आप नंबर देखिए शुरू में क्या लिखा है। शुरू में लिखा है 2, तो 2 के बाद कितना नंबर आता है 3, तो 2 का 3 में गुणा कीजिए, 2 3 6 होता है, तो 6 लिख दीजिए और ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर 6 लिखा है, 6 के बाद कौन सा नंबर आता है 7, तो 6 का 7 में मल्टीप्लाई करिए, 6 7 42 होता है, तो 42 यहाँ लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर शुरू में 3 है, 3 के बाद नंबर आता है 4, तो 3 का 4 में गुणा कीजिए, 3 4 12 होता है, तो 12 यहाँ पर लिख देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।